मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट के गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में अपने नेता को सुनने के लिए उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ ने दूसरे प्रत्याशियों के होश फाख्ता कर दिए। इस दौरान जयंत चौधरी ने सीएम योगी समेत बीजेपी पर जमकर हमला किया। जयंत चौधरी ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर एक बार फिर से पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आंख में आग डालकर वो बात दोहरा तो दें कि किस में कितनी गर्मी है। अगर हिम्मत है तो आप 80-20 की बात कर रहे हो, अगर आपको हिम्मत है तो आप गर्मी की बात कर रहे हो, तो ये साथ सामने खड़े होकर आग से आग मिला के वो बात दोहरा दो, बता देंगे किसमें ज्यादा गर्मी है। जयंत चौधरी ने सीएम योगी के दंगे वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने मुझ पर एक लांछन लगाया है कि ये लड़का दंगा करा देगा। इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं, लेकिन आप लोग आने वाली 10 तारीख को इसका जवाब दे सकते हैं। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूँ और मैं जानता हूँ मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, आप ही मेरे परिवार के बड़े लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद मुझे आपके अंदर वो झलक दिखाई देती है। जब योगी बाबा ये कहता है कि ये लड़का है और ये दंगा करा देगा, इसका जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन इसका जवाब 10 तारीख में आप दे सकते हो। जयंत चौधरी ने कहा कि यह किसानों की राजनीति के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने किसानों पर वार किया, जिन्होंने किसानों पर कार चढ़ाई। किसान की राजनीति का भविष्य तय करने वाला चुनाव है, आपको फैसला लेना है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने किसानों पर वार किया, भाई लाओ, जिन्होंने किसानों पर ठार चढ़ाई। जनसभा को संबोधित करने के दौरान जयंत चौधरी ने चंदन चौहान की पीठ थपथपाते हुए जनता को संबोधित किया और कहा कि जो आपकी समस्याएं हैं उनके लिए चंदन चौहान है। किसी को जात-पात नहीं थी, तो धन नहीं था, वही क्षेत्र बनाकर 10 तारीख में आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और जो आपकी समस्याएं हैं मैं सुनना चाहता हूं, बात करें। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को लेकर कहा कि ये तो मेरी और अखिलेश जी की आंखों का चांद है। ये तो मेरे आंखों का चांद है और अखिलेश जी की आंखों का चांद है। जयंत चौधरी ने इस दौरान बीजेपी के अमित शाह द्वारा दिए गए ऑफर पर एक बार फिर से कटाक्ष किया और हाथ से इशारा करते हुए कहा कि हम इतने हल्के नहीं हैं जो ऐसे उछल जाएंगे। हम उन 700 किसानों के परिवार को धोखा नहीं दे सकते जो किसान आंदोलन में मारे गए। हम लोग इतने हल्के नहीं है जो ऐसे उछल जाएंगे, धोखा नहीं दे सकता मैं उन 700 परिवारों के साथ, धोखा नहीं दे सकता जिन्होंने शहादत दी हमारे लिए, मैं उन परिवारों के साथ धोखा नहीं दे सकता। और जब तक ये मेरा परिवार ईमानदार रहेगा तो ये आपका बच्चा भी ईमानदार रहेगा। आपको बता दें कि जयंत चौधरी रविवार को मुजफ्फरनगर में गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। मोर्रा में आयोजित इस जनसभा में जयंत चौधरी ने गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान के पक्ष में हैंडपंप को वोट देने की अपील की। इस दौरान जयंत चौधरी और चंदन चौहान के जयकारों से जनसभा स्थल कई बार गूंजा। सुनो क्या कह रहे हैं।